पहले भी अव्यक्त था आदि में और अंत में भी अव्यक्त में लीन होगा बीच में व्यक्त रूप इसका शरीर प्रकट हो जाता है इसलिए इसमें शोक नहीं करना चाहिए जो इसको आश्चर्य के समान देखता है और आश्चर्य के समान बोलता है आश्चर्य की तरह जो सुनता है देखने वाला अनुभव करने वाला बोलने वाला सुनने वाला सब आश्चर्य हैं सुनने के बाद लोग नहीं जान पाते इसको देही ये जीव नित्य है अवध है ये शरीर में सभी के शरीर में इसलिए सर्वाणी भूतानी सभी प्राणियों को तुम शोक निमत करो अपने धर्म को भी देख करके तुम उससे हटने योग्य नहीं हो धर्मयुक्त युद्ध से अन्य दूसरी बात कोई कल्याणकारी क्षत्रिय नहीं है दैव इच्छा से जो प्राप्त हुआ है स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है पुण्यशाली क्षत्रिय पार्थ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं अगर तुम इसको धर्म युद्ध को संग्राम को नहीं करोगे तो तुम्हें कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी और पाप लगेगा तुम पाप से बचना चाहते हो पाप न युद्ध करने पर जरूर लगेगा युद्ध करने पर नहीं लगेगा क्योंकि धर्म युद्ध है धर्म युद्ध छोड़ा नहीं जा सकता अकीर्ति तुम्हारा बदनामी प्राणी लोग कहेंगे अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होगी संभावित माने जो आदरणीय है उसकी आकीर्ति मरने से भी ज़्यादा अधिक दुख वाली है, होती है भय से रण से उपरत हटा हुआ तुमको महारथी लोग मानेंगे जिनके तुम बहुमत बहुत माननीय हो वीर के रूप में और उनके लिए तुम लाघव बने छोटे बन जाओगे आवाज़ के न कहने योग्य बातें तुम्हारे शत्रु लोग कहेंगे न कहने योग्य बातें जैसे लड़के लड़ते हैं तो माँ बाप की गाली मिलते हैं माँ बहन की वैसे ही तुम्हारे पूर्वजों को भी लोग कहेंगे अरे ये वर्ण संकर से पैदा हुए देवताओं से ये अपने माँ बाप के नहीं हैं तो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे उससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे। इसलिए तुम उठो यो कौन थे युद्ध के लिए निश्चय करके उठ जाओ सुख दुख समान लाभ हानि समान जय विजय समान ऐसा करके युद्ध करो तुमको पाप नहीं लगेगा समत्व बुद्धि वाले को पाप नहीं लगता है ये तुम्हारे लिए सांख्य ये जो ज्ञान मार्ग में ये बुद्धि कही गई है और कर्म योग में अब हम कह रहे हैं उसको सुनो जिस बुद्धि से युक्त होकर के पार्थ कर्म करने पर भी तुम बंधन को नहीं प्राप्त होगे क्योंकि नेहा भी क्रम नाश होती कर्मयोग की विशेषता बताते हैं कि उसको शुरू कर दिया बीच में छूट गया तो उसका नाश नहीं होता थोड़ा सा भी हो गया है तो वो महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं थोड़ा सा भी कर्मयोग का पालन हो जाएगा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है इसमें कर्मयोग फल की आकांक्षा नहीं रखते और बहुत सी शाखाएं अनंत ये जो जिनकी बुद्धि निष्यात्मिका नहीं है वो अनंत शाखाएं रखते हैं अनंत फल ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत अभिपच्चित अभिपश्चित जो नासमझ लोग हैं वो पुष्पित वाणी ऊपर से अच्छी दिखाई पड़ती है उसको कहते हैं और वेद पढ़ने वाले भी ना अन्य और कोई बात दूसरी नहीं है ऐसा कहते हैं कामात्माना कामना उनके मन में होते हैं और स्वर्ग देने वाली हैं ऐसी जो जन्म कर्म फल देने वाली वाणी है क्रिया विशेष बहुला जिसमें बहुत से यज्ञ आदि में कर्म किया जाते हैं वो भोग ऐश्वर्य गति भोग और ऐश्वर्य की प्रति वो उनका लक्ष्य होता है भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त लोग जिनकी आसक्ति है तया पर चेतसाम और उनकी चेतना भोग ऐश्वर्य ने खेच ली गई है तो उनकी भगवान में समाधव व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती है यहाँ तक हुआ है आगे चलो त्रैगुण विषय वेदा निस्त्री भवार्जुन निर्द्वन्दो नित्य सत्वस्थ हो निर्योगो क्षेम आत्मान अब व्यवसायत्मिका बुद्धि का क्या स्वरूप है कैसा होना चाहिए ये जितने भी विषय है ये त्रिगुणमय है सतरजतम है वेद भी त्रिगुणमय विषयों का वर्णन करता है इसलिए तुम विषयों के त्याग यानी फलों को त्याग करने से निस्त्रिगुण हो जाओगे जो आदमी फलों को त्याग करता है विषयों का वो गणातीत हो जाता है उसकी है निर्द्वंद्व उसमें राग द्वेष नहीं होता नित्य सत्वस्थ होता है नित्य ज्ञान में स्थित होता है योग खेम की चिंता नहीं करता है संयमी होता है योग खेम की चिंता करने वाला निस्त्रयगुण नहीं होता है विषय त्यागी नहीं होता है ये दो श्लोक होगा त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भावार्जुनों निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ हो निर्योग क्षेमवान गुणातीत पुरुष के लक्षण होते हैं द्वंद्व रहित होता है रागद्वेश रहित होता है नित्य ज्ञान में स्थित होता है योग क्षेम की कुछ परवाह नहीं करता संयम होता है एक श्लोक और कर ले चलो यावन अर्थ उद पाने सर्वतः संप्लु के तावन सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता, जैसे किसी को कर, बहुत बड़ा पानी का तालाब सरोवर है और उसमें पीने के लिए थोड़ा सा ही पानी से काम चलता है उद पान अर्थ सर्व सब जगह पानी होते हुए भी पीने के लिए थोड़े में ही काम चलता है वैसे जो ब्राह्मण है बीजानता जो ज्ञानी ब्राह्मण है वो समस्त वेदों में थोड़े में काम कर लेता है अधिक फल की अधिक इच्छाओं की आवश्यकता नहीं रखता गुणातीत हो जाता है <coughs> एक श्लोक और है और कर देते हैं। <laughs> कर्मण्येवाधिकारस्ते एवाधिकारे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते दो अधिकार होते हैं कर्माधिकार फलाधिकार कर्माधिकार मने कर्म करना फलाधिकार मने उसका फल चाहना तो मनुष्य संसार के सब फलाधिकार के लिए लड़ते हैं हमको ज्यादा पैसा मिले ज्यादा सामान मिले जो बुद्धिमान है वो कर्माधिकार में लड़ते हैं कर्म करने में माँ फलेशु फलाधिकार के लिए कभी भी नहीं सोचते कि हमने इतना मेहनत किया हमको कब मिला फलाधिकार की सोचते भी नहीं हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर कर्म फल के कारण से कर्म न करो और माते संगोष तु अकर्मा भी मत बनो कि कर्म छोड़ दिया कर्म तो हमेशा करना चाहिए माते संगोष्ठ अकर्मणि कर्म फल को हेतु भी नहीं बनो और अकर्मा भी नहीं बनो कर्म करो लेकिन फल को कभी नहीं सोचो हो गया तीन श्लोक कर दिए जोर से बोलो क्या है यावन पाने सर्वता पाने माने पीने के लिए बहुत सर्वतो, सर्वतो सर्वतो सर्व संपल चारों ओर पानी भरा हुआ है तुम कहे पानी देने बहुत <coughs> बड़ा सरोवर है चारों ओर पानी पानी है लेकिन तुमको पीने के लिए थोड़े पानी में काम चल जाता है वैसे ही मनुष्य को कर्म करते समय अनेक फलों के प्राप्ति के बाद भी केवल अपने प्रयोजन थोड़ा सा थोड़ा काम में कर लेना चाहिए <coughs> ज्यादा पानी की इच्छा नहीं करनी चाहिए ज्यादा फलों की इच्छा नहीं करना चाहिए थोड़े में काम चल गया थोड़े पानी में प्यास बुझ गई प्रयोजन पूरा हो गया ऐसे ही कर्म करने में बहुत से फल मिलते हैं उनको छोड़ करके थोड़े में काम चल जाए बस यही बुद्धिमान ब्राह्मण का लक्षण है फल त्याग करना चाहिए मूल बात यह है जैसे कोई काम कर रहे हैं लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं गलत है अपनी तारीफ की मत सोचो ये फल है यश दूसरे को दे दो ये बुद्धिमान के लक्षण हैं हमने नहीं किया ये तो इन्होंने किया बड़प्पन दूसरे को दो ये फलाधिकार का त्याग है और तुम अपनी इज्जत चाहते हो अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो वो फलाधिकार का त्याग नहीं है फल भोगना है सम्मान मान इनका भोग मनुष्य करता है अपने मान सम्मान को पा पा करके खुश होता है तो वो ब्राह्मण नहीं है विद्वान नहीं है वो भोगी भोगी है फलाधिकार को लक्ष्य देकर के चल रहा है हर समय फलाधिकार से बचना किसी को नहीं आता है फलाधिकार से अगर बच जाएगा तो निर्द्वंद्व उसके अंदर राग द्वेष पैदा नहीं होगा ये लक्षण है फलाधिकार जहाँ है वहां पर राग द्वेष द्वंद्व रहते हैं उसको सम्मान ज़्यादा मिला हमें नहीं मिला हमने इतना बढ़िया गाया इतना बढ़िया कला हमारी है और पुरस्कार उसको मिला रुपया उसको मिला ये सब चीज़ें जब हृदय में आती हैं तो समझ लेना चाहिए फलाधिकार बहुत दूर है और हम परमार्थिक नहीं हैं सांसारिक हैं, विद्वान पुरुष फलाधिकार को छोड़ते हैं जो कि असंभव है आज के युग में फलाधिकार छोड़ने वाले हजारों लाखों में कोई कोई विद्वान होते हैं और पूछो जो बात पूछना हो यावान धोध पाने थोड़े काम चल गया तुम्हारा चारों ओर से संपूर्ण तो पानी भरा हुआ है और उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है तो फलाधिकार छोड़ना अगर सीख जाएगा तो भगवान का प्यारा बन जाएगा भगवान कहते हैं कर्माधिकार करो फलाधिकार माँ कदाचन कदाचन माने भूखे भी मर रहे हो तो भी फलाधिकार की मत सोचो बहुत कठोर शब्द है कदाचन मने मरने की व्यवस्था में भी भूखे मर रहे हो तो भी फलाधिकार की मत सोचो माँ कर्म फल हेतु कर्म फल की इच्छा से कोई कर्म हेतु से मत करो अकर्मा भी मत बनोगे सब हम मेहनत करेंगे पैसा दूसरे लेंगे सम्मान दूसरों को मिलेगा नहीं तुमने सम्मान को छोड़ दिया तो तुम भगवान के प्रिय बन गए कर्म खूब करो फल दूसरों को दो हाँ साहब इन्होंने ही सब काम किया है इन्होंने ही सब को जमाया है। सब मान दूसरों को दे दो भगवान ये चाहते हैं माँ फलेशु कदाचन कदाचन मैंने कभी भी किसी अवस्था में भी फलों की ओर मत सोचो ऐसा बड़ा कठिन है कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फले हमने मेहनत किया पैसा मिला पैसा दूसरों को चला गया तो हृदय में संताप होगा कि मेहनत हमने किया फल इसने लिया भगवान कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए ऐसे ही मूर्ख बन जाओ जड़ भरत जी थे वो काम करते थे सारे दिन और फल दूसरे लोग लो लेते थे उनके सड़ा गला अन्न दे देते दे थे, थे लोग खाने के लिए उसी में खुश रहते थे तो इसीलिए उनको पहचान करके महापुरुष मान लिया रहुगढ़ ने वहां लिखा है भागवत में पढ़ लेना प्रणयाक फली सड़ा गला खिला देते थे और काम कराते थे दिन भर तो उनका अपमान किया रोहगण ने तू मरना चाहता है फांसी दे देंगे लेकिन वो मुस्कुराते रहे तो समझ गए फलाधिकार या से रहित हैं महापुरुष है जड़ भरत बनना कठिन है दिन भर काम किया परिश्रम का फल दूसरा ले गया तो संताप हृदय में पैदा हो जाएगा तुमको कुढ़े कुड़ोगे जलोगे मरोगे संताप में निर्द्वंद नहीं हो सकते हो एक एक शब्द बहुत कठिन है समझना निर्द्वंदो नित्य सतुस्त हो निर्योग क्षेम आत्मवान योगक्षेम के लिए भी मत बचा कर रखो देव सब कुछ लुटा दो द्वंद्व रहित हो जाओ भगवान ये चाहते हैं कर्मण एव अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन ये गीता का सार है निर्द्वंदो नित्य सतुस्त ऐसा भाषण करना आसान है लेकिन बनना बहुत कठिन है करीब करीब असंभव है महापुरुषों के लिए संभव है हम जैसे लोगों के लिए असंभव है हम तो संताप में ही रहेंगे काम हमने किया और फल इसको मिला और कोई बात हो पूछ लो तावन सर्वेशु ये देसु ब्राह्मण से विजानत वही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है जो केवल उपाने थोड़े में काम चला लिया राधे किशोरी दया करो